HSBC, ICICI, एक्सिस बैंक, येस बैंक, इनके नाम तो तुमने सुने ही होंगे। क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एक जमाना था जब सिर्फ सरकारी बैंक होते थे देश में और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नॉट इन वोग। हाउ विल यू फील देन? बिकॉज लाइफ वुड हैव ओनली बीन अबाउट SBI एंड PNB एंड नथिंग एल्स। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस एंड दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12। आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स, वो वाली पॉलिसी जिसने हमारे देश की किस्मत बदल दी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि लिबरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिसी, कि आफ्टर ऑल लिबरलाइजेशन कैसे करी। लिबरलाइजेशन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए, दैट इज दैट वी क्लोज इन द लास्ट वीडियो। टुडे आई एम गोइंग टू डू अनदर टू रिफॉर्म्स, जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स यानी बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट्स में हुए थे, और फिस्कल रिफॉर्म्स यानी जो टैक्सेशन, मेजरली टैक्सेशन रिफॉर्म्स थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो सेकेंड इज, आप बहुत आराम से धीरे से एक एक टर्म समझना, बिकॉज यू नेवर डन दीज टर्म्स बिफोर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट डोंट वरी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स मतलब जो देश का फाइनेंस की मूवमेंट है, पैसे की मूवमेंट, वो जहां जहां होती थी वहां रिफॉर्म्स करें। कहां होती है? बैंकिंग सेक्टर में। आप जानते हैं हम बैंकिंग का यूनिट कर चुके हैं, RBI उसका रेगुलेटर है, RBI इज द एपेक्स बैंक जो सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल पैसे की मूवमेंट देश में होती है, वो होती है स्टॉक मार्केट्स में। स्टॉक मार्केट्स डिटेल में वी विल डिस्कस व्हेन वी डू सेकंड बुक ऑफ बिजनेस स्टडीज, बट फिलहाल के लिए स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां से कंपनीज पैसा रेज कर सकती हैं। दे कैन गेट मनी, पीपल, यू एंड मी कैन इन्वेस्ट आर एक्स्ट्रा मनी। हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, हम स्टॉक मार्केट में लगा देंगे, हमें उस पर फायदा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और कंपनी को उसी स्टॉक मार्केट से अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वो स्टॉक मार्केट से उनको पैसा मिल जाएगा। सो इन अदर वर्ड्स, मनी की मूवमेंट मेजरली स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है देश में। फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ है। अब इनमें रिफॉर्म लाया गया। सबसे पहला ये क्या रिफॉर्म थे, लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट रिफॉर्म, RBI का रोल, उसका एटीट्यूड, उसका आउटलुक बदला गया। पहले RBI था डंडा मास्टर, वॉच डॉग, रेगुलेटर, ये क्यों किया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसकी परमिशन नहीं, उसकी पर, रिमेंबर, याद रखना, 91 से पहले लाइसेंसिंग वॉज एन इश्यू, नहीं देते थे आसानी से परमिशन, अप्रूवल आसानी से नहीं मिलती थी, और उसकी वजह से काम करना मुश्किल था। यही बदलाव लाया गया। RBI का जो एटीट्यूड था, आउटलुक वॉज चेंज फ्रॉम दैट ऑफ अ रेगुलेटर, अ वॉच डॉग, टू अ फैसिलिटेटर। दोनों में बहुत फर्क है। रेगुलेट करने वाला बंदा सिर्फ डंडा चलाता है, फैसिलिटेट करने वाला आपकी प्रॉब्लम समझ के आपको थोड़ा सा हेल्प करने की भी कोशिश करता है। सेम वॉज वॉट वॉज डन विद RBI। RBI को के पास कुछ चीजें छोड़ी गई और कुछ चीजों में बैंक्स को थोड़ा सा लीवे, थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया। तो पहला तो यही रोल था, इट वॉज चेंज फ्रॉम दैट ऑफ अ रेगुलेटर टू दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर। ठीक है, थोड़ा सा मदद करने वाले मोड में RBI को लाया गया। सेकेंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर अलाउड टू बी एस्टैब्लिश इन द कंट्री। आई जस्ट नेम्ड अ फ्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मैंने ICICI का नाम लिया, येस बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC, ये सब को अलाउ किया गया। इवन इंटरनेशनल बैंक्स को यहां आने दिया, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जैसे अमेरिकन बैंक, जैसे HSBC। HSBC इज नॉट अ इंडियन बैंक, इट्स हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, येस दैट्स व्हाट इट इज। ओके, तो दीज वर अलाउड टू सेटअप इन द कंट्री। ये अलाउ, ये बहुत बड़ा काम था, बिकॉज अभी तक सब कुछ सरकार के हाथ में था। एंड यू हैव टू रिमेंबर गाइज, जितने ज्यादा बैंक खुलेंगे ना, उतना इकोनॉमी में लोगों को पैसा सेव करने का मौका मिलेगा और उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज लोग घर में कैश रखेंगे, घर में कैश का इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर वो बैंक में नहीं जा रहा तो यू गाइज नो क्रेडिट क्रिएशन वोंट हैपन। तो एक आधा सरकारी बैंक कितना आपका सेविंग हेल्प कर पाता, नहीं कर पाता ना, तो इसीलिए बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स को आने दिया गया। दिस वॉज अ बिग रिफॉर्म। थर्ड, इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स बढ़ा दी गई अप टू 50%। अब इसका क्या मतलब है, सीधा फंडा, बैंक के शेयर्स में बाहर के लोग भी, बाहर की कंपनीज भी 50% इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, ये अलाउ किया गया। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले बैंक में बाहर का कोई कंपनी, कोई बैंक पैसा नहीं लगा सकता था, तो वो नेशनलाइज्ड बैंक्स रहते थे, जितना सरकार के पास पैसा था वही उन बैंक्स में लगता था।
बट यू नो बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो नीड्स मनी, पैसा चाहिए बैंक्स को भी. तो बाहर के बैंक्स को, जब बाहर की कंट्रीज को आप अलाउ कर देते हैं किसी बैंक में पैसा लगाना, तो उनको भी पैसा मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए. इट्स अ गुड थिंग, FDI है, आने देते हैं पैसा, अच्छी बात है. तो वो इन्वेस्टमेंट लिमिट 50% तक बढ़ा दी गई कि 50% तक आप अपना पैसा बैंक्स में, हमारे बैंक्स में लगा सकते हैं, ताकि हमारे बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, बैंक डूबे ना. आई होप जब हम बैंकिंग का चैप्टर कर रहे थे आपको ध्यान है कि अगर बैंक्स डूब गए हम भी डूब जाएंगे, हमारा पैसा जाएगा, हमारा गोल्ड जाएगा, वी वोंट गेट एनीथिंग इन रिटर्न बिकॉज वी डोंट हैव बैंकिंग इंश्योरेंस इन आवर कंट्री. तो बैंक नहीं डूबने चाहिए, उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत थी, वो किया गया. ओके, नेक्स्ट, अब बैंक्स को ये फ्रीडम दिया गया दैट यू कुड सेट अप न्यू ब्रांचेस इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में ये फ्रीडम दिया गया कि आप नए ब्रांचेस विदाउट RBI परमिशन और अप्रूवल सेटअप कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं. हालांकि इसमें काफी टर्म्स एंड कंडीशंस थे, लेकिन एटलीस्ट कुछ बैंक्स को कुछ मामलों में ये अलाउंस मिली, विच वॉज अ बिग डील, बिकॉज लाइक यू नो अप्रूवल लेने में, परमिशन लेने में ही सारा टाइम निकल जाता था. और इकोनॉमिक्स का ऐसा गेम है कि अपॉर्चुनिटी निकली वो बिजनेस भी ठप हो गया. सो दैट रिफॉर्म वाज आल्सो बिल्ड इन. आपको यू नो यू वर गिवन परमिशन टू सेट अप न्यू ब्रांचेस. लास्ट पॉइंट ओवर हियर, FIIs वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स. नाउ व्हाट आर FIIs? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. फाइनेंशियल पैसा, इंस्टीट्यूशनल मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं. म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, सारे लोग इकट्ठे मिलकर पैसा डाल रहे हैं और फिर डिफरेंट कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं. जैसे पेंशन फंड्स हैं, आप जानते हैं पेंशन फंड्स क्या होते हैं. मर्चेंट बैंकर्स जो एक कंपनी खरीदते हैं दूसरे को बेचते हैं, समथिंग लाइक दैट. इन सब लोगों को हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अलाउ किया गया. अब ये बात इतनी बड़ी क्यों है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पहले बाहर के लोगों को हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करने देते थे. फॉर एग्जाम्पल, इफ कोका कोला वॉन्टेड टू बाई शेयर्स ऑफ टाटा, दैट वॉज नॉट अलाउड. यानी दोनों, इसमें टाटा का क्या नुकसान है कि टाटा को पैसा नहीं मिलेगा इन केस दे वांट टू हैव मोर मनी. अगर इंडियन मार्केट में जितने लोग पैसा लगा रहे हैं वो उनके लिए इनफ नहीं है,